इस महीने से हमारे पैसे बढ़ा दीजिए ना। दादाजान बात सुनिए, आप पैसे बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे? नहीं, मतलब अगर आप नहीं बढ़ा रहे तो कोई मुजायका नहीं है, आप बता दिए हम उसी पे गुजारा कर लेंगे। सोचेंगे हम। अरे आइए 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 अंकल प्लीज। आप और हमारे घर में? जी मैं अपने अल्फाज वापस लेने आया हूँ। क्यों, आपने दादा जान के पास रखवाए थे क्या? अब चलो। नहीं नहीं इसको नीचे रखिए, मैं चलता हूं। अब चलो, मैं जा रहा हूं। मैं भी चलो। मैं जाओ 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 हट जाओ। वो जाने आलम साहब, छोटी मोटी गलतफहमियां तो हो ही जाती है ना, चलिए छोड़िए, भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए। भाई साहब, हमने आपको पहचाना नहीं। हम लोग जो हैं वो आपके सामने वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं। ये आप ही की बेटियां छत पर कपड़े सुखा रही थी? ये उनकी मॉम है, मैं डैड। बताइए, इंसान की खसलत टेलीफोन वाली हो गई है, कह रहे हैं डैड हूँ। जी वो मेरा जॉगिंग का प्रोग्राम है। हाँ? इस वक्त और जॉगिंग? वो एक्चुअली दिन में धूप बहुत होती है और फिर पसीना भी बहुत आता है ना। जी बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल कम करने का ये बेहतरीन तरीका है। यानी पढ़े लिखे अकलमंद हैं आप। ये बतलाइए, आपने हमें, मेरा मतलब है मुझे माफ कर दिया? चलें, माफ किया। सारा घर देख लिया, अम्मी अबू कहीं नजर नहीं आ रहे। तो जाकर एंटीना ठीक करो, शायद नजर आ जाए। अम्मी अबू कोई नशियात नहीं है जो एंटीना ठीक करने से नजर आ जाएंगे। और वैसे भी नशियात कौन सी एंटीना ठीक करने से साफ नजर आती है। तुम परेशान क्यों हो रही हो, कहीं वॉक पर गए होंगे? गाड़ी तो बाहर खड़ी है और अम्मी गाड़ी के बगैर वॉक पर जा नहीं सकती। हाँ, फोन उठाओ। हेलो जी, शट अप, पता है मुझे कौन था। पता नहीं कौन बदतमीज था, कह रहा था आपकी छत पे कपड़े गीले पड़े हुए। जाहिरी बात है अभी धोए तो गीले ही होंगे ना। कहीं वो बुड्ढा तो नहीं था? हाँ हो सकता है। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, और हरकतें देखो, बुड्ढा। भाई आप लोगों से मिलकर यकीन जानिए बहुत खुशी हुई, और खासतौर से जाने आलम साहब, आप तो वाकई बहुत दिलचस्प आदमी हैं। जाने आलम उर्फ प्यारे मियां। तो फिर आप लोग आते जाते रहिएगा। हाँ हाँ, देखिए और अपनी बच्चियों को भी साथ लाइएगा, जाहिर है हमारी बच्चियों की तरह हैं। जी जी, क्यों नहीं भाई, अब हमें चलना चाहिए। तो अब तक क्या आप घुटनों चल रहे थे? भाई जाने आलम साहब, आप वाकई नहायत शाइस्ता मजाक करते हैं, अब इजाजत दीजिए। आप लोग थोड़ी देर और बैठते तो खुशी होती हम लोगों को। वो एक्चुअली बच्चियां घर में अकेली हैं, इंशाल्लाह हम लोग फिर जरूर आएंगे। अच्छा अच्छा जी, ओके, अल्लाह 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 जी। आइए आइए स्वीटी बेगम। वैसे मैंने अंदाजा लगाया है काफी बड़े लोग हैं। मुझे तो लड़के बहुत पसंद हैं, बहुत मॉड हैं, लेकिन दादा दादी बहुत ही बैकवर्ड मशरकी किस्म के हैं। नाजमाबाद में तुम भी काफी मशरकी थीं, अब इलाका क्या बदला, तुम्हारा तो जोग्राफिया ही बदल गया। आप भी तो जमाल थे, जेरी बन गए, वो तो शुक्र कीजिए मेरे अब्बा का, मेरे डैड का, जिन्होंने आपकी प्रमोशन करवा दी और आपने ये इलाका देख लिया। और देखिए आइंदा मुझे मत कहिएगा कि नाजमाबाद, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती, आगे जाना चाहती हूँ। ओह देखिए बेगम, आगे मत जाइएगा क्योंकि आगे समंदर है। कहाँ चले गए थे आप लोग? ऐसे ही तो जरा सामने गए थे। सामने? हमारे सामने कहाँ गए? सामने वालों के घर। ये सामने वाले जहाँ वो बड़े मियाँ रहते हैं? हाँ हाँ, क्यों क्या हुआ? मुझे तो वो कुछ सठियाए हुए से लगते हैं। जाहिर है बेटा, उम्र का तकाजा है, वरना बड़े बाउसूल इंसान है। तुम लोग मिलोगे ना तो अपने ख्यालात बदल लोगे।
भी तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। मिसेस खालिद कहाँ पार्टी में जाना है? सॉरी मम्मी, हमारे एग्जाम्स करीब हैं, हमने पढ़ना है। दे ठीक है, इट्स ओके। मुझे दो फोन, मुझे दो, खुद करता हूँ मैं। ये ले। हाँ एक सेकंड, लाओ लाओ। अरे मिल गया मिल गया मिल गया नंबर। हेलो, मैं दादा बोल रहा हूँ, किसी इलाके का दादा नहीं, तुम्हारा दादा बोल रहा हूं मैं। हाँ क्या नाम पूछ रहा है मेरा, तेरी ये जरूरत? जाने आलम और प्यारे मियां कहते हैं मुझे। हाँ क्या, क्या 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 तुम्हारे बकरे का नाम प्यार से जाने आलम है? अच्छा बाय द वे आपका नाम क्या है? बंटी? हाँ बंटी। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरे दुम्बे का नाम भी बंटी है। बंद करो फोन बदतमीज, मैं कहता हूं तुम पहले बंद करो, तुम करो बंद, तुम बताओ। अब मोबाइल पे भी रॉन्ग नंबर मिलने लगा है। आप दोबारा ट्राई करें, आप तो लड़ने बैठ जाते हैं। सारी कोशिशें बेकार हैं। शायद सिग्नल ना मिल रहा हो, क्यों था रिजा? हाँ अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा तो अब मैं केतू की पहाड़ी पे बैठ के नंबर मिलाऊं हैं? फो दलजान आप तो नाराज हो जाते हैं, लाइन मुझे दे मैं अभी मिलाती। बेकार है, नहीं मिलेगा नंबर, रिकॉर्डिंग चल रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा ये मोबाइल वाले भी बड़े अजीब हैं, ये अच्छी अच्छी आवाजें भरी हुई हैं रिकॉर्डिंग में। दो मर्तबा तो मुगालते में मैं बात कर चुका हूँ। अच्छा वो अपनी प्यारी आवाज में कहती ट्राई लेटर और मैं फिर ट्राई शुरू कर देता था। वाकई उनका तो फोन मिल ही नहीं रहा। ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे, 11 बज रहे हैं 11। अच्छा फोन भी अपनी ही तरह रखा हुआ है, नाकारा, मिलता ही नहीं कभी। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आ जाएंगे, बच्चे थोड़ी हैं। अपना खतीजा बेटा जी, जाओ जाकर तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह कॉलेज भी जाना है, कब तक जागती रहोगी, यहाँ का तो यही मामूल है। शब्बा खैर दादीजान। जी जरा बेटा, शब्बा खैर दादीजान, शब्बा खैर। हाँ शब्बा खैर बेटा, तुम्हारी तो शब की खैर है आज, लेकिन उनकी शब की खैर नहीं है आज। हाँ आप भी जाइए, सो जाइए आप भी, दरवाजा हम खोल देंगे और हो सकता है उनका सर भी खोल दें। तनवीर इधर आओ। अब दादाजान आप सोए नहीं अभी तक? जी नहीं। तो दादाजान ये फिर लाइट क्यों ऑफ है? हाँ क्यों? चोर पकड़ने के लिए बेटे, जाओ अपने कमरे में। सुनो आज के बाद तुम दोनों की आवारागर्दियां खत्म, यारी दोस्ती सब कुछ खत्म। मैं देखता हूं तुम दोनों अपने कमरे में से कैसे निकलते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना लड़कियों के पीछे भागते ना देर होती। बाहर भी बैठो, घर में भी बैठो, चलो
ठीक है, बाहर पिटने की वजह समझ में आती है, लेकिन 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 कुछ नहीं, पहले तुमने छेड़ा था। बड़े सीधे हैं आप, एक नंबर के मीसले हैं, घुलने हैं आप। जहां लड़की देखी रही आउट। मुझे क्या शाहिद आफरीदी समझा हुआ है, जहां लड़की देखी नहीं आया। बॉस नहीं तुम ना, ना। अच्छा हाँ सेमी, सेमी क्या हुआ? सीमी के बच्चे, जस्ट सीमी। भाई याद कर, कल सीमी ने बताया था कि आज आज तो पहर को यूनिवर्सिटी के अंदर कॉन्सर्ट है। अबे कॉन्सर्ट पे कैसे जाएगा यार, ये सब जेल में जो बंद है भाई। सुन, सब नहीं, सिर्फ हम बंद है। अबे स्टूपिड, जहां पर वीआईपी लोग बंद होते हैं ना, उसे सब जेल कहते हैं, समझे? अच्छा तो एक काम कर, सीमी को फोन तो मिला? कार्ड क्या हो गया? कार्ड खत्म हो गया और क्या, अब क्या करें? हमारी जेब में अब इतने पैसे भी नहीं है कि एक कार्ड डलवा सके मोबाइल के अंदर। पता नहीं यार, दादा की पाबंदियां कब उठेंगी। दादा से पहले तो मुश्किल ही है। चल फोन करते हैं। कहां से? कहां से क्या मतलब, लॉन्च से? लेकिन दादा, दादा अपने कमरे में, समझ गई बात? चल 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 चल, चल, चल। सिमी, दिस इज टोनी। हाँ हाँ, आना तो था लेकिन हम आ नहीं सकेंगे। विल नॉट बी एबल टू कम। हाँ, तुम्हें काम करो, तुम एंजॉय करो, हमें एक्चुअली दूसरी पार्टी में जाना है। या ओह नो प्रॉब्लम बेबी, सम अनदर टाइम। ओके बाय। हमें भी तो मालूम हो कि कौन सी पार्टी में जा रहे हैं आप लोग और पहले किस पार्टी में थे। वो दादाजान, हमारे मोबाइल का कार्ड खत्म हो गया था ना। हमें मालूम है दादाजान, अब हम बड़े हो गए। अच्छा, एहतजाज हो रहा है, वो भी हमसे, जानते हो इसका अंजाम? बच्चा है दादाजान, मजाक कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, इसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सारी बुराइयों की जड़ ये है, ये और तुम्हें बिगाड़ने में इसी का हाथ है। बाय द वे दादा जान, आप कुछ दादी जान की तरह गुफ्तगू नहीं फरमा रहे आज। वो हमारी जौजा हैं और हमारे और उनके ख्यालात कभी कभी मुश्तरक होते हैं। दादा जान, ये मुश्तरक का मतलब क्या होता है? एक जैसे, जैसे तुम दोनों। ओह चलो चलो दादा, एक कॉल कर लो। कॉल करोगे, सारे टेलीफोन का बिल तुम्हारी ही वजह से आता है। रखे फोन अपना। चलो चलो। जाने आलम साहब से बात कर ली जाए। अखबार तो वो पढ़े जिसका ब्लड प्रेशर लो हो। बताइए कैसी कैसी खबरें आती हैं भाई। तौबा है, इतनी देर से टेलीफोन बोल रहा है। आंखें तो हैं अखबार की तरफ लगी, क्या कान भी लग गए अखबार की तरफ? ये घंटी टेलीफोन की बज रही थी। हाँ,
हाय हाय, हम समझ रहे हैं गोले घंटे वाला जा रहा है भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? हाँ, कौन? मैं आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ, जेरी। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? आपकी बेटियाँ और बेगम कैसी हैं? किसी दिन लाए ना हमारे यहाँ? जी हाँ जरूर। ये बताइए, जाने आलम साहब कैसे हैं? बस भाई साहब, पूरे घर में वही एक ठीक हैं। जी हाँ, बहुत दिलचस्प आदमी हैं। तो किसी दिन आइए ना हमारे घर। जी जी, किसी दिन इंशाल्लाह गुजरते हुए जरूर आऊंगा, और जाने आलम साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम कीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। कौन था वो? हमारे सामने वाले जेरी साहब थे। वैसे मैं तो ये कहती हूँ, बड़े ही भले आदमी हैं। अजी होंगे, हमें क्या। जाने आलम साहब कभी तो किसी की कदर कर लिया करें। कह क्या रहे थे ये बताइए। कह क्या रहे थे? कह रहे थे किसी दिन गुजरता हुआ आऊंगा। लीजिए, ये दुनिया के वाहिद आदमी हैं जो गुजरने के बाद आएंगे। आप भी हद करते हैं।